नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरा चैनल द फिश ट्रेडर में। दोस्तों आज हम लोग आ चुके हैं हमारा रायदीघी का मार्केट में। ये मार्केट साउथ 24 परगनास में है, वेस्ट बंगाल में। और दोस्तों ये मार्केट काफ़ी फेमस है अपना क्वालिटी के लिए। दोस्तों यहाँ का जो मछली का क्वालिटी है वो टॉप क्वालिटी मिलता है, और काफ़ी सारे वेस्ट बंगाल के टॉप लेवल पॉलिटिशियंस या फिर आप पकड़ लो जो फिल्म स्टार्स होते या फिर बिजनेसमैन होते, वो लोग यहाँ का मछली काफ़ी हाई प्राइस पे भी उठा लेते हैं कभी कभी। और यहाँ का हिलसा जो है वो काफ़ी नोन हिलसा है कि रायदीघी का हिलसा। और जैसे आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे ये बेसिकली चैनल है जो गंगा का चैनल है, और ये डायरेक्टली बे ऑफ बंगाल के साथ ये मिक्स होता है ये चैनल। और जब भी हिलसा का सीजन में दोस्तों यहाँ से काफ़ी सारे हिलसा इस चैनल के थ्रू अंदर जाते हैं, वो सिटी के अंदर जो ट्रिब्यूटरीज है वहाँ पे जाके अंडे छोड़ते हैं और वापस आने के टाइम से पकड़ा जाता है। दोस्तों जैसे आप देख सकते हो इधर कुछ लोकल मछली यहाँ पे आया हुआ है। दोस्तों ये काफ़ी पॉपुलर है अपना जिंदा मछली के लिए। और दोस्तों जैसे आप देख रहे हो केकड़ा, दोस्तों यहाँ का जो क्रैब्स है सी क्रैब्स वो टॉप नॉच क्वालिटी के आते हैं, और यहाँ से जो प्लेयर्स है वो काफ़ी कम है, और इसीलिए बिडिंग प्राइस भी थोड़ा रीजनेबल मिलता है हमें हमारा दूसरा मार्केट से। और जैसे देख सकते हो दोस्तों आप लोग क्रैब का साइज़ देखिए, कि क्रैब 300-350 ग्राम का ये ब्लू क्रैब है, और इसका कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा होता है चेन्नई में, मदुरई में, बेसिकली जो साउथ इंडिया के पार्ट है वहाँ पे सी क्रैब का कंजम्पशन काफ़ी अच्छा होता है। वहाँ पे इसका प्राइस आपको 250 रुपये तक मिलता है, और मोटा मोटी यहाँ से आप ये सब मछली ये सब अगर ये सब के क्रैब्स लेते हो तो ये आपको 180-200 रुपये में आ जाते हैं। जो थ्री स्पॉट क्रैब्स होते हैं वो यहाँ पे 130-120 रुपये में मिल जाते हैं अच्छे क्वालिटी का। दोस्तों यहाँ पे जैसे देख सकते हो जो रूपचंदा मछली है वो छोटे छोटे साइज़ के रूपचंदा भी ज़िंदा है, और इसका भी ऑक्शन होने वाला है अभी। और दोस्तों खासियत यही है कि जिंदा मछली में एक रिस्क है कि आप छोटे मोटे बिजनेस कर सकते हो जिंदा मछली में, अदरवाइज़ जो लार्ज स्केल बिजनेस होता है अलाइव फिशेज में जिंदा मछली में उसमें थोड़ा रिस्क रहता है, क्योंकि कभी कभी ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन की कमी के वजह से या फिर अगर आप ज़्यादा ओवरलोडिंग कर देते हो तो उसमें मछली का मरने का चांसेस होता है, और अगर मछली मर जाता है तो उसका रेट गिर जाता है। गाइज थैंक यू फॉर द सपोर्ट दैट यू आर गिविंग टू दिस चैनल। आप लोग जिस चैनल को जिस तरह सपोर्ट कर रहे हो आई एम रियली ओवरवेल्म्ड। और एक चीज़ मुझे बताना है कि कोई भी बिजनेस में हमेशा आप सतर्क रहिए, हमेशा आप केयरफुल रहिए। कोई भी ट्रांजैक्शन आप किसी के साथ करते हो तो उसमें आप पहले इंश्योर हो जाइए कि बंदा जो जिसके साथ आप काम करोगे वो जेन्युइन बंदा है, क्योंकि काफ़ी सारे मेरे पास ऐसे खबर आते, काफ़ी सारे लोग मेरे को फ़ोन करते और मेरे से पूछते कि सर जी मैंने किसी को एडवांस दिया था लेकिन अभी तक वो पैसा मुझे मिला नहीं और वो आदमी मेरे साथ मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे। तो दोस्तों एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी ट्रेडिंग बिजनेस में अगर आपको बहुत ही कम रेट मिलता है या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको लालच दिखाया जा रहा है दूसरा तरफ से, तो आप उनके साथ काम करने से पहले दो बार सोचिए। क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे ऐसे इंसिडेंट्स भी है, बहुत सारे कम रेट देते मार्केट में तो लोग सपना देखना शुरू कर देते और वो लोग ये सोचते हैं कि चलो भाई हम लोग दो दिन में करोड़पति बनने वाले, तो क्या होता है वो लोग 1-2 लाख रुपये एडवांस कर देते और वो पैसा लेके दूसरा बंदा रफू चक्कर हो जाते। तो दोस्तों मार्केट में काम करने के लिए ये चीज़ आपको इंश्योर रखना है कि आप किस बंदे के साथ काम कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल जो है वो फ्रॉड का केसेस काफ़ी बढ़ रहा है मार्केट में। तो दोस्तों ये देखिए, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये बागदा चिंगड़ी जिसको हम लोग बोलते हैं टाइगर प्रॉन्स। दोस्तों टाइगर प्रॉन्स का ये वन ऑफ द बेस्ट मार्केट है रायदीघी, और इसके जो प्रॉन्स है वो बसीरहाट से आते हैं, और बसीरहाट में मास स्केल में बेसिकली फार्मिंग होता है बसीरहाट वेस्ट बंगाल बांग्लादेश बॉर्डर में। और दोस्तों वहाँ का जो झींगा है वो मैक्सिमम झींगा कंपनीज के पास जाते हैं या फिर वो आउटर कंट्रीज़ में जाते हैं। यहाँ का मोटा मोटी अब 80% जो प्रोडक्शन है वो बड़े साइज़ का जो प्रोडक्शन है, क्वालिटी प्रोडक्शन है, वो सारे बाहर में लेके चले जाते हैं। दोस्तों जैसे आप सामने देख पा रहे हो, हम लोग इस हिस्सा का इस जो टाइगर प्रॉन्स इसका भी कलेक्शन करेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे इसका पैकेजिंग करते हैं हम लोग एक्सपोर्ट के लिए। दोस्तों ये मार्केट काफ़ी पॉपुलर है जो क्रैब्स आप लोग दे रहे हो उसके वजह से उसके लिए। तो दोस्तों काफ़ी इंक्वायरी मेरे पास आता है क्रैब्स के बारे में कि मुझे मट क्रैब में काम करना है, बड़े क्वालिटी का मट क्रैब में। तो दोस्तों ये आप जो सामने देख रहे हो ये छोटा क्वालिटी का मट क्रैब है, क्योंकि अभी मट क्रैब का थोड़ा सीजन अभी चालू होने वाला है सर्दी के टाइम से, तो काफ़ी बड़े बड़े क्रैब्स आने वाले हैं। और जिन लोग भी काम करना चाहते हो दोस्तों इस मार्केट से आप लोग काम कर सकते हो रायदीघी का, इससे आपको काफ़ी अच्छा लीड मिलेगा। और
दोस्तों ये देखिए, ये रवस जो है, ये रवस आया है अपना लोकल फिशरमैन लोगों ने पकड़ा है। क्वांटिटी ये छोटे बोट्स के ये रवस है जो कि मार्केट में एक दिन में लैंडिंग हो जाते हैं। तो दोस्तों ये सारे जो छोटे बोट्स है ये अगले दिन रात को निकलते हैं और नेक्स्ट डे इसको ये अपना माल को इधर गिराते हैं। दोस्तों जैसे कि मैंने अपना लेटेस्ट अपडेट दिया था कि बहुत लोग मेरे को फ़ोन करते कि उनको काम करना है, काम सीखना है, प्रॉपर सप्लाई चेन जानना है। काफ़ी सारे जो लोग बिजनेसमैन जो लोग काम करते हैं वो लोग भी अपना काम का वॉल्यूम बढ़ाना चाहते। तो दोस्तों इस रिगार्डिंग मैं सबका कॉल अटेंड नहीं कर पाता हूँ, सबको रिप्लाई ठीक से नहीं दे पाता हूँ क्योंकि मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी रहता है। तो मैंने रिसेंटली डिसीशन लिया था कि मैं एक इस लाइव वर्कशॉप सेशन करूँगा जिसमें मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दूंगा। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग मुझे सजेशन चाहिए। ये वर्कशॉप डायरेक्ट मंडी से होगा तो आप लोग प्लीज़ इसका सजेशन दीजिए। तो इसके हिसाब से हम लोग एक बैच बैठाएंगे और धीरे धीरे एक ट्रेडिंग कम्युनिटी रेडी करेंगे। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हो मैं इधर एक फार्म पे आया था रायदिघी में और इनका हाइब्रिड मागुर का फार्मिंग करते हैं ये लोग। और जैसे देख सकते हो दोस्तों ये लोग अपने घर के पीछे जो इन लोगों का जो तालाब है वो अराउंड आप देखोगे कि ये कम से कम ये 2000 स्क्वायर फीट का तालाब, 1500 स्क्वायर फीट का ये तालाब होगा और इसमें ये लोग हाइब्रिड फार्मिंग कर रहे हैं। दोस्तों अभी इनको हम लोग खाना खिलाएंगे तब आप लोग देखिएगा कि कितना इनका इंटेंसिटी है। और दोस्तों हाइब्रिड मागुर बैंड है तो चलिए इनको हम लोग चारा देते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे ये लोग खाते हैं। तो दोस्तों हाइब्रिड मांगूर एक काफ़ी फेरोशियस ब्रीड है और इससे काफ़ी इकोसिस्टम में प्रॉब्लम होता है तो इसीलिए सरकार इसको बैन करके रखा है। अभी इसका ट्रेडिंग अलाउ नहीं है फिर भी लोग इसको छुप छुप के फार्मिंग करते हैं और इसका प्रोडक्शन करते हैं और ये मार्केट में आप पकड़ लीजिए 60-70-80 रुपीज़ में ये आइटम आपको मिल जाता है। और यहाँ पे काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के मांगूर है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिला। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि जितने भी फार्मर्स है, जितने भी ट्रेडर्स है, उनको मेरे वीडियो से हेल्प मिले, उनको प्रॉपर सेलिंग प्राइस उनको पता चले। क्योंकि दोस्तों जो फार्मिंग है वो काफ़ी लोग करते हैं, काफ़ी लोग उसमें लॉस भी खाते हैं क्योंकि उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। तो दोस्तों मेरे मेहनत को ज़रा आप लोग सपोर्ट कीजिए और इस चैनल को ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आगे जितने भी ट्रेडिंग कम्युनिटी है उनको दिखाइए ये सारी वीडियोस। और दोस्तों जैसे मैंने पहले भी कहा कि मैं एक लाइव सेशन बहुत जल्दी चालू करने वाला हूँ, मोस्ट प्रोबेबली मैं जनवरी या फिर फरवरी का फर्स्ट वीक में प्लान कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं मछली का एक्सपोर्ट कैसे होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक और कहाँ पे इस मछली को आपको बेचना है, पूरा सप्लाई चेन मैं इसमें कवर करने का ट्राई करूँगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, आगे भी मैं ऐसा वीडियो डालता रहूँगा।